योमियो टीवी पे आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जो कि ना कि अपने बॉलीवुड में छाप छोड़े हैं बल्कि टीवी इंडस्ट्री पे भी उन्होंने अपने कई सारे शोज में छाप छोड़े हैं, और फिलहाल वो कर रहे हैं असुर शुंभ का कैरेक्टर इन विघ्नहर्ता गणेश। हमारे साथ हैं केतन जी। केतन जी, आपका स्वागत है योमियो टीवी पर। थैंक यू सो मच। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे जिम में जो जो मेरी दुनिया है, सब कुछ है, मेरे जिम में आज हमारा जो इंटरव्यू हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे जिम में आए। तो वेलकम टू केतन मसल फिटनेस जिमनेशियम। थैंक यू सो मच। तो आपका जो कैरेक्टर है शुंभ, उसके बारे में हमें बताइए। हमने देखा आपका लुक, मतलब बहुत ही डेविल लुक था वो तो। शुंभ कैरेक्टर जब मैंने सुना था, कॉन्टिनेंटल ने मुझे जब ऑफर किया था रोल, तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि यार वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर है, द किंग ऑफ डेमोन। तो मैंने यार यार करने में बहुत मजा आएगा। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई एंजॉयड वेरी मच। जो मैं हर मोमेंट और हर सेट पे जो मैं शूट करता हूँ तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ कैरेक्टर को, क्योंकि डेफिनेटली डेफिनेटली अपन जब मेहनत करते हैं एक लॉन्ग टाइम में तो कहीं ना कहीं रंग लाती है। तो मुझे लगता है ये रंग अब चढ़ना शुरू हो गया है सोनी पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है करने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो हम वक्त जाया नहीं करते और बाकी की बातें हम बाद में करते हैं। पहले हम जिम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम फिर बाद में बात करते हैं। चलिए। या तो पहले मैंने किया पुलअप्स जो बैक के लिए होता है, और उसके बाद मैंने किया ब्रीदिंग जो सिंगल सिंगल हैंड की होती है ऐसे, तो उससे बॉडी थोड़ी गर्म हो जाती है। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं जो मेन अपना होता है एक्सरसाइज, वो शुरू करते हैं। मैंने शुरू किया आज बेंच, क्योंकि हमारा आज चेस्ट है तो मैंने आज शुरू किया बेंच से, द बाबल बेंच प्रेस वो शुरू किया। अब मैं जा रहा हूँ डम्बल फ्लाई की तरफ, डम्बल से हम लोग चेस्ट के लिए करते हैं। बेंच प्रेस से मोस्टली हम चेस्ट जो है पार्ट अपना वो स्ट्रांग हो जाता है, वो बढ़ना शुरू होता है, चेस्ट के मसल जो होते हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली फॉर द बेंच प्रेस जो होता है रॉड से, चेस्ट के लिए होता है। बारबेल चेस्ट प्रेस के पास बाद हमने अभी किया डंबल चेस्ट प्रेस, सेम थिंग। जो बारबेल होता है इज कनेक्टेड विद रॉड, बट डंबल होते हैं वो दोनों अलग होते हैं, दोनों अलग अपने हाथ में होते हैं। सो इज अ डंबल चेस्ट प्रेस, चेस्ट के फ्लैट बेंडर्स होके डंबल को बस इस तरह पुश करना है इस तरह। उसके बाद हमने किया था केबल क्रॉस, इसमें था पैक, चेस्ट का पैक इसको डेवलप करना है, उसके लिए हम केबल बॉक्स यूज करते हैं। इट्स लाइक दिस, दोनों साइड से हैंड को सेंटर में लाना है एंड पुश करना है इस तरह से। इसके बाद हम करेंगे पेक टेक मशीन, फिर हम करेंगे डिप्स। अभी हम करेंगे पेक टेक मशीन, चेस्ट पेक के लिए होता है सेम थिंग, बट सिटिंग अलग होती है। हम सिटिंग हम अभी लेट ही कर रहे थे, अब हम बैठ के करेंगे। उसके बाद हम करेंगे डिप्स, पुशअप्स जिसको बोलते हैं, उससे ये बेसिकली न्यू कॉमर्स के लिए होता है एंड जो जिम करते हैं रेगुलर उनके लिए भी होता है। तो हम अभी कर रहे हैं पेट। कुछ एक चीजें तो मुझे भी नॉलेज में है बिकॉज मैंने इतने सारे जिम स्टोरीज किए हैं। आपने जो ये किया, ये शायद आपके डंबल्स एंड एवरीथिंग फॉर हैंड मसल, हैंड मसल, दिस इज कॉल्ड प्रीचर कर्ल मशीन।
इसमें हम जो अपने मसल्स है जैसे पीक है, इस पीक को डेवलप करने के लिए, बड़े करने के लिए हम लोग इस पे हाथ रख के करते हैं, क्योंकि इसमें बैक सपोर्ट नहीं मिला तुम्हें, ट्राइसेप सपोर्ट नहीं मिला, तो हम अपने आर्म से इसको लिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली फॉर बहुत ही ओल्ड, बहुत साल से ये हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल, बहुत अच्छा है न्यू कमर्स के लिए और सबके लिए ही ये मशीन बहुत अच्छा है। हाउ अबाउट दैट शोल्डर के लिए था? जो हम लोग शोल्डर के लिए कर रहे थे, जैसे लैट पूरी है इसको बोलते हैं, तो लैट पूरी में बैक के मसल्स भी होते हैं, फ्रंट के मसल्स भी होते हैं। हम हाँ ये न्यू कमर्स के लिए भी है, सबके लिए है। तो ये बहुत ही अच्छा मशीन है, जो हम बैक के लिए खींच सकते हैं, उसके बाद अपना जो वी शेप जो बोलते हैं उससे वी शेप डेवलप होता है। जब आप सेट पे जाते हो, यूजुअली जब आप शूट पे जाते हो, तो एक्टर्स आपको देख के कुछ ऐसा रहते हैं भाई हमें भी कुछ टिप्स दे दो? डेफिनेटली, मतलब सेट के एक्टर्स क्यों, सेट के राइट फ्रॉम द स्पॉट से लेके लाइटमैन से लेके कैमरा से हर डिपार्टमेंट का बंदा जो होता है ये इंप्रेस होता है, क्योंकि हम पैसे कैसे ही किसी भी एंगल कमा सकते हैं, लेकिन जिम के लिए तो मेहनत जरूरी है। हम जब तक पुशअप नहीं करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे, डंबल्स नहीं उठाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारी बॉडी नहीं बनेगी। तो इसलिए कि हर किसी को बॉडी देखने के बाद, अरे वाह क्या बनाई है, क्या मेहनत की है, हर एक के पास इंस्पिरेशन मिलती रहती है। ऑलराइट, ठीक है, जाते जाते शुंभ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, विघ्नहर्ता गणेश के सारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूंगा कि आपने मेरा हनुमान सीरियल में जो मैंने कंटिन्यू किया था, महिरावण देखा था, बहुत सारा प्यार किया था, बहुत लाइक किया था आपने। डेफिनेटली अहिरावण मैंने उसके बेटे का रोल मैंने ही प्ले किया था, जो वो भी आपने बहुत सारा सहारा प्यार किया, बहुत उसकी तारीफ की। तो ये भी शुंभ असुर महानायक शुंभ कैरेक्टर जो है, इसी को इसी तरह प्यार कीजिए। आप प्यार कर ही रहे हैं मुझे बहुत बहुत दिनों से, तो इसी तरह करते रहिए, देखते रहिए 7:30 को मंडे टू फ्राइडे विघ्नहर्ता गणेश ऑन सोनी टीवी। और दिल थाम के बैठे कि आने वाले जितने भी दिनों में, कमिंग वीक, उसके अगला वीक में इतने अच्छे अच्छे आपको परफॉर्मेंस देखने मिलेगी आपको मेरी, क्या बोलेगा यार ये वही लड़का है, महिरावण या अहिरावण या कोई और है, तो बस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच केतन जी हमारे साथ बने रहने के लिए। कैमरा पर्सन भुवन के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।